गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पहले हम कोशिश कर रहे थे कि आपको टॉपिक वाइज पढ़ाएं, लेकिन जिस तरह से एग्जाम जल्दी से आने वाले हैं उस हिसाब से हमने अपना प्लान भी चेंज कर दिया। तो टारगेट 2000 एमसीक्यूज में पार्ट फर्स्ट हमने देख लिया, पार्ट सेकंड में आज लेके आया हूं मैं क्रस्टेशिया पे एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के ऊपर है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर्स आर प्रेजेंट इन क्लास क्रस्टेशिया। यहां पे जो चार दिए गए हैं इनमें से बताना है कौन सा जो करेक्टर है वो क्रस्टेशिया के अंदर प्रेजेंट होता है। सिफेलोथोरैक्स, बुक गिल्स एंड अपेंडिक्स, क्या ये सही है? हेड एंड थोरैक्स, गिल्स एंड अपेंडिक्स, क्या ये सही है? हेड एंड थोरैक्स, बुक गिल्स एंड अपेंडिक्स, क्या ये सही है? या फिर सिफेलोथोरैक्स, गिल्स एंड अपेंडिक्स, आप बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है? क्रस्टेशिया के अंदर कौन सा कैरेक्टर प्रेजेंट होता है? इसका जो सही आंसर है वो है सिफेलोथोरैक्स, गिल्स एंड अपेंडिक्स। देखिए जो सिफेलोथोरैक्स, गिल्स एंड अपेंडिक्स होते हैं क्रस्टेशिया के अंदर, जो ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं क्लास क्रस्टेशिया के अंदर वो शो करते हैं प्रेजेंस ऑफ सिफेलोथोरैक्स। सिफेलोथोरैक्स क्या होता है? हेड और जो थोरैक्सिक रीजन होता है वो फ्यूज होता है। गिल्स वो एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन इस्तेमाल करते हैं और ज्वाइंटेड अपेंडिक्स उनके अंदर पाई जाती है, जैसे क्रैब्स, लोबस्टर, प्रॉन्स, ये बिलोंग करते हैं क्लास क्रस्टेशिया के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन के ऊपर? क्रस्टेशियन सच एज प्रॉन्स यूज एज एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या क्रस्टेशियन स्पाइरकल्स इस्तेमाल करते हैं एक्सक्रेटरी ऑर्गन? क्या नेफ्रिडिया इस्तेमाल करते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया या ग्रीन ग्लैंड्स? आप बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर है ग्रीन ग्लैंड्स। जो ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं जो क्रस्टेशियन से है, ये बनाते हैं लार्ज डाइवर्स आर्थ्रोपोड टैक्सॉन के अंदर ये आते हैं, जिसमें अभी मैंने आपको बताया क्रैब्स भी आते हैं, लोबस्टर, क्रेफिश, श्रिम्प, क्रिल, वुड लाइस एंड बर्नैकल्स, ये आते हैं क्रस्टेशियंस के अंदर। और हम क्रस्टेशियंस की बात करें, वहां पे एक पेयर ऑफ उनके पास एक पेयर ऑफ एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है जिसको हम कहते हैं ग्रीन ग्लैंड, जो कि परफॉर्म करता है एज एक्सक्रेटरी फंक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर्स इन एनिमल्स आर गिवन बिलो। यहाँ पे नीचे दिए गए हैं बहुत सारे एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन्स, बता सकते हैं आप। तो एनिमल्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप बताइए इनमें से सही कौन सा है? क्या प्रोटोनेफ्रिडिया प्राण के अंदर होता है? क्या नेफ्रिडिया कॉकरोच के अंदर होता है? आप इसका आंसर देखिए, गेस कीजिए कौन सा आंसर जो है वो सही है। देखिए पहली चीज ये है, अभी हमने बताया कि क्रस्टेशियंस के अंदर ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं, तो ये प्रॉन्स के अंदर आएगा डी पार्ट। आप यहां देखिएगा डी का वन है कहीं, अगर डी का वन है वहीं से पहले तो पकड़ा जाएगा आंसर। तो यहाँ पे जो ए है, ए में डी वन है, बाकी किसी में नहीं है। तो आप इसको भी देख सकते हैं कि जो ए है, ए जो है प्रोटोनेफ्रिडिया है, ये होता है फ्लैट वर्म्स के अंदर। नेफ्रिडिया जो है लिखा है यहाँ पे बी थ्री, आप देखिए ये है अर्थवर्म के अंदर। दूसरा दिया गया है सी, मेलफिजी ट्यूब्यू, सी सी है एक में, सी है दो में, ये है कॉकरोच। तो इसका आंसर हमारे पास निकल गया। तो आप कह सकते हैं जो प्राण होते हैं, प्राण प्रोसेस करते हैं ग्रीन ग्लैंड्स या फिर एंटीनल ग्लैंड्स एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर में। कॉकरोच की अगर हम बात करें, कॉकरोच मेलफेजिन ट्यूब्यूल्स होते हैं उनके एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर। अर्थवर्म जो है ये नेफ्रिडिया जो है ये एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर प्रोसेस करता है। फ्लैट वर्म की अगर हम बात करें, वो प्रोटोनेफ्रिडिया जो है वो प्रोसेस करता है। द अपेंडिक्स of the last body segment of the crustaceans are called, वो appendages जो last body segment में होती हैं crustaceans के, उनको क्या कहते हैं? यहाँ पे जो नीचे दिए गए हैं इसके में, आप बताइए इसका आंसर क्या है? इसका जो आंसर है, जो last body segment होता है crustaceans का, उसको कहते हैं यूरोपोड्स। ठीक है, तो ये यूरोपोड्स होता है, ये
खासकर जो क्रेफिश है उसके अंदर स्विमिंग का काम करता है, ओवरऑल जो है क्रस्टेशंस के अंदर ये लोकोमोशन का काम करता है। यहाँ पर एक और वर्ड दिखाई दे रहा है, वो है चिलीपीड। चिलीपीड किसको कहते हैं? ये लार्ज क्लॉज होते हैं जो यूज होते हैं डिफेंस एंड टू कैप्चर प्रे। द मैक्सिला कंटेन गिल्स एंड ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड। इसका जो आंसर है वो क्या है? इसका जो आंसर है वो है स्कैपो गेनाथाइट। स्कैपो गेनाथाइट इसका आंसर है। अब जो स्कैपो गेनाथाइट होता है ये लीफ लाइक भी होता है या ब्लेड लाइक भी कह सकते हैं। ये सेकंड अपेंडेज होता, सेकंड मैक्सिला होता है डेकापोडा क्रस्टेशियन के अंदर। एक्टोप्रोक्ट यहाँ पे लिखा है, ये एक फाइलम है ब्रायोजोआ का, जिसको हम बोलते हैं मोस्ट एनिमल। फेरोमोन्स आप जानते हैं, फेरोमोन्स जो है ये बहुत से इंसेक्ट जो है वो सिक्रेट करते हैं अट्रैक्ट टू समवन। ओके, ऑपरक्यूलम जो है ये फिशेस के गिल्स के ऊपर की कवरिंग होती है, उसको हम कहते हैं ऑपरक्यूलम। द न्यूरो सेक्रेटरी टिश्यूज दैट आर प्रेजेंट इन द आई स्टॉक ऑफ द क्रे फिश आर नेम्ड एज। न्यूरो सेक्रेटरी टिश्यू जो कि प्रेजेंट होता है आई स्टॉक किसके? क्रे फिश के, उसको क्या कहते हैं? बताइएगा आप इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है एक्स ऑर्गन। ठीक है ना, एक्स ऑर्गन जो है ये एक न्यूरो सेक्रेटरी टिश्यू होता है जो प्रेजेंट होता है किसके? आई स्टॉक में, क्रेफिश। और क्रेफिश किसके अंदर आती है? क्रस्टेशियन के अंदर। द लेंस सिस्टम ऑफ द क्रेफिश इज कंपोज्ड ऑफ द रिसेप्टर दैट रेंज ए नंबर फ्रॉम 25 टू डैश डैश। आप बताइए जो लेंस सिस्टम क्रेफिश के अंदर होता है वो कितने रिसेप्टर का कंपोज होता है, उसका रेंज क्या होता है, 25 से लेकर कितना होता है? तो आप बताइए इसका आंसर क्या है? इसका जो आंसर है वो है 14,000। ओके, यहां पे एक जीरो और डालो, इसका आंसर क्या आएगा? 14,000, याद रखना। आपके लिए क्वेश्चन यहां पे मैं देता हूं, छोड़ता हूं। आप बताइए मुझे जो रिसेप्टर्स हैं, मैंने बताया 25 to 14,000 तक इसका रेंज होता है। तो जो थाउजेंड्स ऑफ डैश डैश होते हैं, अब मुझे बताइए इनका नाम क्या होता है, इनको हम क्या कहते हैं? द अदर नेम फॉर दी एंटीनल ग्लैंड इज, एंटीनल ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? क्या बता सकते हैं इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है ग्रीन ग्लैंड। क्या है? ग्रीन ग्लैंड इसका सही आंसर है। ग्रीन ग्लैंड को एंटीनल ग्लैंड भी कहा जाता है। ग्रीन ग्लैंड के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, समझिए आप। व्हाट टाइप ऑफ इन्वायरमेंट्स डू आर्थ्रोपोड्स लिव? आर्थ्रोपोड्स कौन से इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं? मैरीन, फ्रेश वाटर, लैंड या ऑल ऑफ दी अबव? अब आप कहोगे यार आर्थ्रोपोड्स आप क्यों पढ़ा रहे हो, तो सिलेबस में अंदर दिया नहीं, दिया गया नहीं है। सिलेबस के अंदर क्रस्टेशिया दिया गया है, क्रस्टेशियन इसी के अंदर आता है, तो इसलिए आर्थ्रोपोड्स फाइलम के अंदर क्रस्टेशियंस आते हैं। तो यहां इनका आंसर क्या बनेगा? कुछ मैरीन के अंदर रहते हैं, कुछ फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं, कुछ लैंड के अंदर। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑल ऑफ दी इबो। व्हाट इज मोल्टिंग? मोल्टिंग क्या होती है? मोल्टिंग प्रोसेस विच आर्थ्रोपोड्स रिप्रोड्यूस। क्या ये सही है? प्रोसेस इन विच आर्थ्रोपोड्स शेड देयर आउटर कवरिंग एंड ग्रो ए लार्ज वन। क्या ये सही है? प्रोसेस इन विच लार्वा फॉर्म डेवलप इनटू एडल्ट। तो मोल्टिंग का आंसर क्या आएगा? जो मोल्टिंग होती है ये आर्थ्रोपोड्स के अंदर एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि आउटर कवरिंग जो है वो शेड हो जाती है, तो जो ये ग्रो करते हैं लार्ज वन। तो याद रखना मोल्टिंग प्रोसेस जो है आर्थ्रोपोड्स के अंदर पाई जाती है, जो कि क्या करती है, इसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो शेड हो जाती है, तो ग्रो करती है ये लार्ज वन। विच ग्रुप ऑफ आर्थ्रोपोड्स हैव थ्री बॉडी सेगमेंट्स, हेड, थोरेक्स या आर्थ्रोपोड्स एंड एंड एब्डोमेन? तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? इसका जो आंसर आएगा वो आएगा इंसेक्टा। इंसेक्टा के अंदर होता है हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन।
विच टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम डू आर्थ्रोपोड्स हैव? अब बताइए आर्थ्रोपोड्स के अंदर कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है वो आएगा ओपन। क्या आएगा? ओपन। व्हाट टाइप ऑफ सिमेट्री डू आर्थ्रोपोड्स हैव? आर्थ्रोपोड्स के अंदर कौन सी सिमेट्री होती है? राइडियल, बाइलैटरल, एसिमेट्रिकल। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बाइलैटरल। बाइलैटरल सिमेट्री होती है आर्थ्रोपोड्स के अंदर। लोबिस्टर, श्रिम्प्स एंड क्रैब्स आर एग्जांपल ऑफ व्हाट ग्रुप ऑफ आर्थ्रोपोड्स? इसका आंसर क्या आएगा? ये किस क्लास के अंदर आते हैं? आर्थ्रोपोड्स की कौन सी ग्रुप्स के अंदर आते हैं? लोबिस्टर, श्रिम्प एंड क्रैब्स। इसका आंसर बिल्कुल इजी है, वो क्या है? क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस के अंदर आते हैं लोबिस्टर, श्रिम्प एंड क्रैब्स। ऑल आर्थ्रोपोड्स हैव सेगमेंटेड बॉडीज, जॉइंटेड एपेंडिजेस एंड डैश डैश। क्या आंसर आएगा इसका? एक्सोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन। व्हाट डज द एक्सटर्नल स्केलेटन ऑफ एन आर्थ्रोपोडा कंटेन्स? कौन किस किस्म का जो है एक्सटर्नल स्केलेटन होता है आर्थ्रोपोड्स का? इसका जो आंसर है वो क्या है? चीटन, CHITIN, याद रखना। व्हाट डज द एक्सटर्नल स्केलेटन ऑफ एन आर्थ्रोपोडा कंटेन्स? तो एक्सटर्नल स्केलेटन जो आर्थ्रोपोडा का होता है वो किसका बना होता है? चीटन का, CHITIN। एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ द क्रेफिश दैट रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द हिमोलिम्फ। क्या आंसर इसका आएगा? ग्रीन ग्लैंड। बॉडी ऑफ क्रस्टेशिया एंड एरेक्निड्स आर, कौन सी बॉडी होती है क्रस्टेशियंस और एरेक्निड्स के अंदर? हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। नहीं, गलत, रॉन्ग। इसका जो आंसर है वो क्या है? सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन। क्रस्टेशिया रिस्पायरेशन, क्रस्टेशिया की रिस्पायरेशन क्या होती है? क्या वो लंग्स से करते हैं, क्या वो गिल्स से करते हैं? तो इसका आंसर क्या आएगा? गिल्स। क्रस्टेशियन की जो रिस्पायरेशन होती है वो गिल्स से होती है। अपेंडिक्स ऑन क्रेफिश दैट सर्व एज फीलर्स, सेंसिटिव टू टच, टेस्ट एंड बैलेंस। अब बताइए इसका सही आंसर क्या है? क्रेफिश का वो कौन सा अपेंडिक्स का नाम क्या है जो फील करता है, सर्व करता है फीलर, सेंसिटिव टू टच, टेस्ट एंड बैलेंस? इसका जो आंसर है, सही आंसर वो क्या है? एंटीनिया। एंटीना जो होता है ये करता है, ये होता है किसके लिए? फॉर टच के लिए, टेस्ट और बैलेंस के लिए। मोस्ट एंटीरियर लेग्स ऑन क्रेफिश दैट हैव पिंसर्स फॉर कैप्चरिंग फूड एंड डिफेंस। आप बताइए, कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछ जाता है। तो आप बताइए कौन सी एंटीरियर लेग है क्रेफिश की जो पिंसर फॉर कैप्चरिंग फूड एंड डिफेंस? इसका जो सही आंसर है वो क्या आएगा? वो आएगा चिलीपिड्स। ठीक है ना, चिलीपिड्स जो है इसका सही आंसर है। व्हाट डज द टर्म आर्थ्रोपोड मींस? टर्म आर्थ्रोपोड्स का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट लिटल रिंग्स, जॉइंटेड फूड या सिविलाइजेशन? इसका जो सही आंसर है वो क्या है? जॉइंटेड फूड जो है ये इसका सही आंसर है। सिंस क्रेफिश लिव इन वाटर दे ब्रीथ विद लंग्स, क्या ये सही बात है? वाटर के अंदर रहते हैं क्रेफिश, क्या ये लंग्स के साथ साथ ये ब्रीथ करती हैं? इसका आंसर क्या है? फॉल्स। ऐसा नहीं है, ये गिल्स से ही रिस्पायर करती है, ब्रीथ करती है। क्रस्टेशियंस लाइक क्रेफिश और ऑल वर्टिब्रेट्स, क्या ये जो क्रस्टेशियंस हैं ये वर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं? नहीं, ये भी गलत है, ये वर्टिब्रेट्स के अंदर नहीं आते हैं बल्कि ये इनवर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं। ठीक है ना।
हाउ मेनी पेयर ऑफ एंटीना डू क्रस्टेशियंस हैव, कितने पेयर होते हैं एंटीनिया के क्रस्टेशियंस के अंदर? इसका सही आंसर क्या है? टू पेयर्स, टू पेयर्स ऑफ एंटीनिया जो होते हैं क्रस्टेशियंस के अंदर पाए जाते हैं। हाउ मेनी ज्वाइंटेड लेग्स डू मोस्ट क्रस्टेशियंस हैव? डेकापोड। आप बताइए कि कितने ज्वाइंटेड लेग्स जो होती हैं प्रेजेंट क्रस्टेशियंस के अंदर? इसका जो सही आंसर है वो क्या है? 10, याद रखना 10 इसका सही आंसर है। व्हाट एनवायरनमेंट डू क्रेफिश लिव, कौन से एनवायरनमेंट के अंदर ये रहती है? मैरीन, फ्रेश वाटर या टेरिस्ट्रियल? इसका आंसर क्या आएगा? ये फ्रेश वाटर के अंदर रहती है क्रेफिश। अपेंडिक्स ऑन क्रेफिश दैट क्रिएट वाटर करंट्स एंड फंक्शंस इन रिप्रोडक्शन, तो इसका आंसर क्या आएगा? उस अपेंडिक्स का नाम बताइए जो क्रेफिश के अंदर तो पाई जाती है, जो क्रिएट करती है वाटर करंट्स को और फंक्शन करती है रिप्रोडक्शन का। तो इसका जो आंसर है वो है स्विमरिट्स। स्विमरिट्स का फंक्शन क्या है? ये रिप्रोडक्शन का फंक्शन करती है, क्रिएट करती है वाटर करंट्स को, क्रेफिश के अंदर ये पाई जाती है, ये एक अपेंडेज है। मैक्सिला इन डेकापोड्स आर यूज्ड फॉर, मैक्सिला जो डेकापोड्स के अंदर होता है वो किसके इस्तेमाल में आता है? फीडिंग, रिप्रोडक्शन, स्विमिंग या जंपिंग? इसका जो आंसर है वो क्या है? फीडिंग। मैक्सिला जो है डेकापोड के अंदर फीडिंग का काम करते हैं। ओके, विच टू ऑर्गन्स आर यूज्ड इन कैप्चरिंग प्रे? चिलीपीड्स, स्विमरेट्स, चिलीपीड्स, मैक्सिला, मैक्सिलेंट यूरोपोड्स, मैक्सिलेंट पीडिपल्प्स? इसका आंसर क्या है? चिलीपीड्स एंड मैक्सिला जो है ये इसका सही आंसर है। चिलीपीड्स एंड मैक्सिला जो है इसका सही आंसर है। ओके, सेलोटाइजेशन जो होती है एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आर्थ्रोपोड्स के जो क्यूटिकल हैं आफ्टर बीइंग क्रॉस लिंक्ड, जब क्रॉस लिंक किए जाते हैं तो ए सेक्रोटीन बिकम हार्डन, तो जो सेक्रोटीन है वो हार्ड हो जाती है, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं सेक्रोटाइजेशन। ये ऐसी प्रोसेस है इन विच क्यूटिकल ऑफ आर्थ्रोपोड्स आफ्टर बीइंग क्रॉस लिंक्ड क्या हो जाते हैं? सेक्रोटीन हार्ड बन जाते हैं, उसको हम कहते हैं सेक्रोटाइजेशन। ये एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। देखो थोड़ा थोड़ा और हम पढ़ते हैं क्रस्टेशिया के बारे में, क्रस्टेशिया और उसके कैरेक्टर देखते हैं। दिस टाइप ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा कैन बी फाउंड इन बोथ लैंड एंड वाटर, ये और दीज आर पैरासाइटिक एज वेल, डिपेंडिंग ऑन देयर हैबिटेट क्रस्टेशिया कैन रिस्पायर थ्रू ट्रैकिया एंड गिल्स, देयर हेड इज मर्ज्ड विद थोरैक्स एंड द बॉडी पार्ट इज रेफर्ड एज सिफेलोथोरैक्स। ठीक, दिस काइंड ऑफ आर्थ्रोपोड्स हैव 10 अपेंडिक्स एंड 2 पेयर्स ऑफ एंटीनिया। ओके, ए सिंगल कैरापेस कवर्स द एंटायर बॉडी। ओके, दीज आर्थ्रोपोड्स पोसेस गोनोफोर्स एंड 2 कंपाउंड आईज। ओके, दे एक्सक्रीट थ्रू एंटीनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स। ओके, द लार्वा स्टेज इज विजिबल इन देयर लाइफ साइकिल, एग्जांपल क्या है? प्रॉन्स, क्रैब्स, वुड लाइस एंड श्रिम्प्स। ये है क्रस्टेशिया के कुछ करेक्टर। क्रस्टेशिया जो है इसको फर्दर डिवाइड किया गया है 6 सब कैटेगरी के अंदर, जिसमें आता है रेमिपीडिया, ब्रैंकोपोडा, मैक्सिलियोपोडा, सिफेलोकैरिडिया, मेलेकोस्ट्रेका और ओस्ट्रैकोडा, ठीक है ना। तो ये है इसकी सब कैटेगरीज क्रस्टेशिया की। जो कॉमन क्रस्टेशियंस है उसमें बर्नैकल्स है, मेंटिस श्रिम्प है, प्रॉन श्रिम्प, लोबेस्टरेन, स्पाइनी क्रेफिश, मड कॉलर लोबेस्टर, हर्मिट क्रैब्स एंड स्क्वाड लोबेस्टर। तो बाकी आप पढ़ सकते हैं कोई भी, यूट्यूब पे बहुत से लेक्चर मिल सकते हैं आपको क्रस्टेशियन के ऊपर, आर्थ्रोपोडा के ऊपर। तो आप वहां से, वैसे मुझे पता है टाइम तो आपके पास है नहीं ना हमारे पास है इतना टाइम, तो आप अगर इन्हीं ऑब्जेक्टिव को आप नोट डाउन करोगे तो इन्हीं में से आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप देखते रहिए टीचिंग बायोलॉजी, और नेक्स्ट में और लेके आऊंगा आपके लिए ऑब्जेक्टिव, देखूंगा कहाँ से कौन सा टॉपिक उठाते हैं, लेकिन आपके साथ वादा है कि आपको पूरा सिलेबस हम करके देंगे। ओके।